2018 इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने एक स्नैप से हाफ ऑफ द यूनिवर्स को गायब कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ की 3.5 बिलियन पॉपुलेशन गायब हो गई थी जब तक एंड गेम में हल्क के स्नैप से वो वापस नहीं आ गए। और एवेंजर्स एंड गेम पहले स्नैप से 5 साल बाद 2023 में हो रही थी। तो थ्योरी ये है कि थैनोस के स्नैप के 1 साल बाद एमसीयू में भी ग्लोबल पेंडेमिक की सिचुएशन होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि थैनोस ने 2018 में आधी पॉपुलेशन को गायब कर दिया था, इसलिए यहाँ चांस है कि वो पहला इंसान जो वायरस से इन्फेक्ट हुआ था, जिसने इसे पूरे वर्ल्ड में फैलाया, वो पहले ही गायब हो गया था। और भले ही वायरस किसी दूसरे इंसान ने फैलाया हो, लेकिन ग्लोबल पेंडेमिक बनने से पहले इसे रोकना बहुत आसान था। गूगल ये बताता है कि अब तक 6.5 मिलियन लोग इस महामारी से मर चुके हैं और एमसीयू में थैनोस ने अपने स्नैप से 6.5 मिलियन लोगों की जान बचाई है, राइट? वेल नहीं, इन 6.5 मिलियन लोगों में से आधे पहले ही स्नैप से गायब हो गए थे, जो होता है 3.25 मिलियन लोग। और हाफ ऑफ द यूनिवर्स को मारना, जिसमें अर्थ पर लगभग 3.5 बिलियन लोग शामिल हैं, 3.25 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए एक अच्छा सौदा नहीं है, और इसीलिए वो थैनोस को कहते हैं द मैड टाइटन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।